और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर आपको बता दें कि बहुत सारे पर्यटक फंसे हुए थे, उन सबको अब बचा लिया गया है। 80 पर्यटक हैं जिनको फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। और मुलुगु वाटरफॉल्स है जहां पर ये पर्यटक फंसे हुए थे, और पुलिस का ये कहना है, अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई भी वहां पर अभी बचा हुआ फंसा नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सौमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित, तो ये राहत की बात है कि सभी के सभी पर्यटक जो हैं वो बचा लिए गए हैं, लेकिन इन पर्यटकों की स्थिति कैसी है, क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी अब इस बारे में? जी बिल्कुल, जबकि कल रात को ऑफिशियल्स को ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि करीबन 40 से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे, जहाँ जो कि सब बिगेस्ट वाटरफॉल्स कहा जाता है, मुत्याराधारा वाटरफॉल्स मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे 40 से ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पे वाटर स्ट्रीम में पानी का फ्लू, फ्लड वाटर का फ्लू बढ़ने के वजह से वो लोग क्रॉस नहीं कर पाने के वजह से वहाँ पे स्टक हो गए थे। और उसके बाद इमीडिएटली SDRF और DDRF और NDRF लोकल पुलिस के साथ वहाँ पे डिप्लॉय किया गया, और उनको करीबन 6 से 7 घंटे लगे पूरे टूरिस्ट को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। और उसके बाद उन पुलिस ने गिनती बताया है कि 80 टूरिस्ट को पूरे रेस्क्यू किया गया वाटरफॉल से, और रस्सी और कई सारे इक्विपमेंट यूज करके। और उन्होंने कहा, ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि 90% टूरिस्ट को किसी को कोई चोट नहीं आई, और बस 10% टूरिस्ट को, क्योंकि एक्सेसिव वॉकिंग की वजह से, ज्यादा चलने की वजह से पैर दुखने के अलावा कुछ इंजरीज रिपोर्ट नहीं हुए। मगर इस पूरे 80 टूरिस्ट से एक बच्चे को स्कॉर्पियन का बाइट, स्कॉर्पियन ने बाइट किया है, और उसी बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया ट्रीटमेंट के लिए। मगर पूरे के पूरे 80 टूरिस्ट अभी सेफ है, बल्कि ऑफिसर्स ने बताया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सभी टूरिस्ट सुरक्षित हैं ये दावा किया जा रहा है, और एक शख्स को हालांकि हॉस्पिटल में जरूर दाखिल करवाया गया था, लेकिन स्थिति अभी सही बनी हुई है।